गाइस मेरा नाम है आदित्य और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रेसलिंग आर्ट में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज दिन की बड़ी खबरों की। तो गाइस सबसे पहली खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी है NXT से। तो गाइस हमें जो है नेक्स्ट वीक जो है NXT के लिए काफ़ी बड़े बड़े मैचेस एडवर्टाइज होते हुए दिखाई दिए NXT के जो है, मतलब आप सभी को तो पता होगा अब 10 सीरियड क्लासिक टैग टीम वेमेंस के लिए और मेंस के लिए भी है। तो यहाँ पर अभी अच्छे अच्छे मैचेज है। सबसे पहले जो मैच है वो वेमेंस के लिए वो है गाइस यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज और टोनी स्ट्रॉम वर्सेज जो है यहाँ पर उनके अपोनेंट्स हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट है वो कुशीरा और लियोन रॉफ बनाम उनकी टैग टीम यानी कि जॉनी गार्गानो और ऑस्टिन थ्योरी के बीच। नेक्स्ट मैच है वो है गाइस हमारे यहाँ पर टिमोथी थैचर बनाम यहाँ पर डोमेसो चैंपा के बीच एक फाइट पीट मैच है गाइस। काफ़ी बढ़िया है इसी के लिए मैच रहने वाले, इसके बारे में आपके थॉट से कमेंट मैच जरूर बताना। और जब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की, नेक्स्ट न्यूज वो जुड़ी है मंडे नाइट रॉ से। तो गाइस आज हमने जो मंडे नाइट रॉ देखी थी उसके अंदर भी WWE जो है 8K कैमराज का यूज़ किया था। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर WWE ने काफ़ी अच्छे जो है इस रॉ के लिए भी रेटिंग्स के लिए और प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे 8K कैमराज यूज़ किए थे। जब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी है वो जुड़ी हुई है आज रॉ खत्म होने के बाद WWE ने अभी अच्छी अच्छी चीज़ें एडवर्टाइज की। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लो, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, जाके चेकआउट करो। और कई जो सबसे पहला मेल सुपरस्टार है वो है कई जेफ हार्डी डिक्लेयर हो चुके हैं रॉयल रंबल के लिए। वेमेंस के लिए है वो है कई जहाँ पर एलेक्सा ब्लिस, पेटन रॉयस और यहाँ पर शेना बेजलर, ये तीनों सुपरस्टार जो है यहाँ पर कंफर्म हो चुके। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की। तो इस नेक्स्ट न्यूज जुड़ी है वो जुड़ी है डैनियल ब्रायन से। तो गाइस डैनियल ब्रायन के फैंस के लिए एक खबर है। तो डैनियल ब्रायन के फैंस पूछ रहे थे कि भाई डैनियल ब्रायन को स्मैकडाउन के अंदर क्यों हरवाया जा रहा है, वो लगातार हारे जा रहे हैं। तो गाइस इसके पीछे एक रीजन है। तो गाइस जो हमारे डैनियल ब्रायन है आपको पता होगा उनको जो अभी क्रिएटिव कंट्रोल थोड़ा मिल चुका है। तो इसी वजह से डैनियल ब्रायन चाह रहे हैं कि मुझे, मतलब जो अब के जो सुपरस्टार हैं उनको थोड़ा पुश मिल जाए, इसी वजह से जो है मैं उनसे हारा और उनको थोड़ा जो है बिल्ड अच्छे से किया जाए। तो गाइस देखना पड़ेगा डैनियल ब्रायन काफ़ी अच्छा बिल्ड करे सुपरस्टार कैसे रहा है आपके लिए थोड़ा सा कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं हमारी मेन न्यूज़ की, मेन जुड़ी हुई है रॉयल रंबल 2021 से। तो गाइस रॉयल रंबल तो आपको सभी को तो पता होगा सरप्राइज रिटर्न्स के लिए जाना जाती है। तो गाइस इस साल भी काफ़ी बड़ी रिटर्न हो सकती है और गाइस वो किसी और की नहीं है, वो है गाइस रायबैक की। तो इस रायबैक ने खुद से अपना मतलब एक मतलब रिटर्न टीज ही किया है और गाइस रायबैक हमें जो है इस साल के रॉयल रंबल के अंदर आती हुई दिखाई दे सकते हो और गाइस काफ़ी धमाल मचाते हुए देख सकते हैं या फिर वो रॉयल रंबल जीतते भी दिखा सकते हैं। तो इस काफ़ी बड़ी न्यूज़ है रायबैक के फैंस के लिए। और गाइस जिससे कि साथ साथ वीडियो को तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। और गाइस आपने सारी वीडियो देख ली होगी, उसके अंदर मैंने जो है नए नए मतलब एक चैनल की शुरुआत से ही ने एक जो है स्टार्ट किए, वो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और कीजिए आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो इतनी सी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।